So she's Rama Priya, right? Yes. And her daughter name? Radha Sundari. Radha Sundari? Yes. Wow. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Hello guys, welcome back to the channel. Aaj main Pub Street mein, Cambodia. It's a very good place for party, nightlife. Let me show you something. There is some music going on. Cambodia. सामने एक टेंपल आ रहा है, वो बहुत अच्छा है. ये सामने एक बार में वहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है, मैं दिखाता हूँ. मैंने जिस रेस्टोरेंट की बात की थी आपको, इंडियन रेस्टोरेंट की, तो अभी मैं आपको वहीं लेके जा सकता हूँ. और जाना कैसे है, बहुत ही आसान सा रास्ता है. अभी हम लोग पब स्ट्रीट पे हैं. पब स्ट्रीट के सामने एक मार्ट है, मिनी मार्ट. ये मिनी मार्ट है. मिनी मार्ट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड है. रोड का नाम है सैक्सन रोड. सैक्सन रोड है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर चलना है और फिर वो इंडियन रेस्टोरेंट आ जाएगा. गाइस मैं आ गया हूँ अपने इंडियन रेस्टोरेंट में जिसकी मैं बात कर रहा था. उसका नाम है होटल राजधानी पैलेस. होटल राजधानी पैलेस. और सबसे अच्छी पहचान क्या है, यहाँ पे आपको जो लेडी है वो साड़ी में मिलेगी. ये देखिए कंबोडियन. हेलो, आप देख सकते हो. अब मैं इसे पूछता हूँ कि ये हु टोल्ड यू टू वियर साड़ी, लाइक हाउ द वाइस ओनर. ओह, इट्स वेरी हार्ड टू वियर द साड़ी. The first time nothing. Okay, first time is not easy, but now? Yes, but now easy for me. Around here, 4 years. Oh, you working here for last 4 years? No, now here only 9 months. 9 months, okay. Good. So, how you feel after wearing Indian sari? And I like so much. Oh, just
That's pretty good. So, देख लो भाई, आपको जो इंडियन टच है ना वो आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा. तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ के जो मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने के लिए उसकी क्या प्राइस है उसका. स्टार्टिंग में यहाँ दिखा देता हूँ, बट इस तरीके से है. तो यू हैव बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोथ थिंग्स. ओके, तो कुछ शेक्स हैं. राजधानी पैलेस होटल इंडियन में है. ये है एड्रेस, ये है नंबर, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा. तो ये कुछ शेक्स हैं, $1 मतलब मैंगो लस्सी सारी चीज़. एक काम करते हैं अंदर जाते हैं और पूरा अच्छे से बताता हूँ आपको क्या प्राइस है डॉलर में इंडियन रुपीज़ में. यहाँ के जो शेफ़ हैं उनसे बात करते हैं, ओनर से बात करते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए खाने के लिए, इंडियन वाला फील आए खाने में. तो अभी पूरा अच्छे से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो शेफ़ हैं उनसे मिलाऊँगा, जो ओनर हैं, रेट्स हैं. और इस होटल में सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे आप रह भी सकते हो, स्विमिंग पूल भी है. आपको पहले स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ. तो गाइस ये है स्विमिंग पूल, आप देख लीजिए. तो अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको. हेलो गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ. तो अभी मैं आपको सबसे पहले यहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर सतीश, राइट? यस सतीश. तो उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और कुछ क्वेश्चंस उनसे मैं पूछने वाला हूँ. तो अभी बात करते हैं पहले. तो सतीश, ये आपका आपने ये होटल का भी स्टार्ट किया था कितने टाइम पहले? मैंने अभी ये जो मेरा नया ऑर्डर था 2019 अगस्त में मैंने स्टार्ट किया. ओके, आप वैसे इंडिया में कहाँ से हैं? 2018 अगस्त में. और भी सारी चीजें हैं, और भी फैसिलिटीज हैं हमारे गेस्ट हाउस है. okay. जो 3-4 का रूम्स है, 24 रूम्स हमारे पास. ओके, तो रूम्स आपको ऐसा ऑनलाइन बुकिंग भी है हमारा TripAdvisor, booking.com, Agoda, Expedia, ये सब आपको बुकिंग भी हो सकता है. अच्छा, मतलब booking.com, Agoda और किस पे? TripAdvisor. आप इन सब जगह पे ये इस होटल का मतलब आप ढूंढ सकते हो. और बाय द वे मैं उसका होटल का जो मतलब लिंक है और जो इनकी वेबसाइट है, जो लोकेशन है, वो मैं सब डालने वाला हूँ. और वॉट अबाउट लाइक फूड? अब मेन जो मैं आपको दिखाने वाला था फूड, तो फूड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या डिशेस हैं और क्या प्राइजेस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें. तो सबसे पहले आपके मेन्यू में क्या क्या है वो एक बार दिखाएंगे मुझे आप. तो आप बताएंगे मुझे एक बार ज़रा. अच्छा देखो, हमारा जो फूड है हम इधर से बिरयानी भी है. बिरयानी केरला स्टाइल का बिरयानी है. ओहो, केरला स्टाइल. कितने का है ये? होता है $6, यानी कि लगभग 420 रुपीस के करीब. मैं थाली की बात कर रहा था ना. थाली थाली ऐसा मिलेगा नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन. साउथ इंडियन में सांभर रसम वगैरह मिलेगा, नॉर्थ इंडियन में जो दाल करी. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अगर थाली लेनी है तो लगभग 350 रुपीस में काफी अच्छी थाली मिलने वाली है. तो बस ये तो थी खाने की बात. अब मैं बताता हूँ यहाँ पे एकोमोडेशन के बारे में क्या किस तरीके से फैसिलिटीज़ हैं. आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको जो स्विमिंग पूल दिखाया था, वो स्विमिंग पूल ये रहा, किंग साइज बेड, डिलक्स बेडरूम, ट्विन बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम. ये खाली फ़ोटो ही नहीं, खाली कभी कभी होता है ना फ़ोटो में कुछ और होता है और फिज़िकली हम जाते हैं कुछ और होता है. तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी पूरा कि किस तरीके का रूम है, क्या फैसिलिटी है. ओके, सो लेट्स गो देयर. ओपन बार तरीके से मतलब एक ओपन रेस्टोरेंट. तो गाइस अभी मैं एक ऐसे रूम में हूँ, वो किस लिए है, वो उसकी कुछ स्पेशलिटी है. स्पेशलिटी ये है, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके चाचा, ताऊ, फूफा, मतलब कोई भी चार फैमिली हैं, अगर आप चार फैमिली हैं और आप सोच रहे हो कितने रूम बुक करने हैं, तो मैं तो कहूँगा ना आपको दो रूम बुक करने, ना ही तीन रूम बुक करने, आपको एक ही रूम में सब कुछ हो जाएगा. वो आपको दिखाता हूँ मैं. वो रूम इस तरीके से रहेगा.
ये देखिए, एक बेड वो रहा, दूसरा बेड ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा वो रहा। अगर आप जॉइंट फैमिली हो, बच्चों के साथ हो, तो आप इस रूम में आ सकते हो। लगभग कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पे? 2, 2, 4, 6, 8 बच्चों को भी अलाउ करते हैं शायद, बच्चों को भी अलाउ करते हैं, तो मतलब एक एक बच्चा और जोड़ लो आप, मतलब 8 और 4, 12 लोग आ सकते हैं आराम से। गाइस, मैं अभी यहाँ के जो स्टाफ है उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वो सतीश सर हैं जो वो इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बताएंगे पहले। हेलो, ये जो हमारा रिसेप्शनिस्ट है मिस्टर मिलोन, नमस्ते। इसका नाम है मिलोन और दिस इज श्रेपिक। श्रेपिक इज शी इज अ सर्विस गेट आल्सो इज मुनी। नमस्ते मुनी। मुनी आल्सो सर्विस ऑल एवरीथिंग, शी इज आल्सो कुक, आल्सो इंडियन फूड आल्सो शी कैन मेक। ओह दैट्स गुड। दिस इज लॉन्ग डी, लॉन्ग डी आल्सो डू सर्विस। नमस्ते। ओके, सो डू यू हैव एनी इंडियन स्टाफ आल्सो? इंडियन स्टाफ आल्सो है। हां, तो इसका नाम है कुश, ये फ्रॉम पंजाब। पंजाब, पंजाब से हमारा जो उधर मार्केटिंग, मार्केटिंग ओ ये मतलब ये मार्केटिंग देखते हैं। तो ये भाई साहब अपने मार्केटिंग है, पंजाब वाले मार्केटिंग। आई एम जयराज। जयराज, जयराज फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके, ओके, तो आपने सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया। सो गाइस, मैंने आपको बताया था अभी मैं खाना दिखाने वाला हूँ आपको, बट उससे पहले कुछ लोगों से मिलाने वाला हूँ आपको मैं, और बहुत ही डिफरेंट हैं। एंड दो लेडी हैं फ्रॉम मेक्सिको, सो शी इज रामा प्रिया, राइट? एंड हर डॉटर नेम सुंदरी। राधा सुंदरी, यस। वाओ, सो लाइक हाउ यू गेट योर इंडियन नेम्स? बिकॉज़ और mother and father, and because I also like Indian culture. And okay, that's the reason, because you are so much fascinated by Indian culture. Yes. So you make your name Indian name, Rama Sundari and Radha Priya. No, Rama Priya, sorry, Radha Sundari. Rama Priya, Radha Sundari. Yes, yes. Amazing. And how you feel this about this Indian restaurant? Is good? Yes, so nice. And how about the hotel? What about the staff? So nice. So nice. Very recommend so this place. Okay, you were recommend. Okay. So which is your like favorite Indian food? We like chapati. Chapati, yeah. Chapati. What else? Dal. Dal. Wow. Aloo dosa. Oh. Yeah, is it like masala dosa? Yes. Yeah. I like it's with aloo. Yeah, so with aloo. With paneer. Yeah, aloo paneer. Oh. Yes. For me, it's, you know, is very strange. Like if I first of all, I was amazed by hearing by your name, right? Your name is like Indian name with like foreigners using it. Are you vegan, vegetarian or not? Vegetarian. We born vegetarian. Yes. Wow. By birth. Yes, and she also. Okay, so you don't eat non-vegetarian things, right? No. No meat, nothing. No. That's meat, cool. No egg and no fish. Egg? No. Oh, pure vegetarian. Yes. Wow. That's amazing. So, according to you, this place is recommended to everyone, right? Yes. Highly recommended. Yes. Because the service is very amazing. Nice. Yeah, even I came here like 2 days before, mm-hmm. and the staff is very kind and gentle. Yes. So that's the reason this is like today a fourth time I'm came back here, and I thought as I have a YouTube channel, so I thought I can make a video for this and I can help others travelers like from India or anywhere else, so they can come here and you know enjoy the food. The food and the stay in the hotel, because so you want to tell anything to India? Anything you want to say to India? Anything? We love India so much. Any places you have been in India? Yes, I've been in Delhi. Okay. Tirupati. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah, South India. Yes, also all many places in South India. You also? Agra. Agra for Taj Mahal. Jaipur. Varanasi. Mayapur, Varanasi.
So you follow, this god? Yes. Shankar. Also, I go to Puri. Oh, cool. Visa? Yes. So as of now, you're on vacation. You're on vacation. You're traveling. In India? You know, here. Here, yes. Oh, okay. How long you? How long you gonna travel? I think till September. Till September. Oh, long. We're going to Vietnam also. I came from Vietnam actually. Oh really? Yeah. Even I'm traveling from last 2 months. Oh, okay. And this, you come back to India? After this, I have to like visit two more countries. Then I'll back to India. Oh, okay. Which part? What? Which part of India? I'm from North India. Oh, okay. Uttar Pradesh. Lucknow. I live in Vrindavan. Okay, Vrindavan. It's like, I think... It's near to Agra and Delhi. Yeah, near to Delhi. Near yes. to Delhi. Yes. So, nice to meet you both of you, and thank you so much for like, you know, talking to me and sharing your like, feeling about India and your love towards Indian culture is amazing. Thank you so much for thank that. You. तो गाइस खाना आ चुका है अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है खाने में फिलहाल अभी जो चीज़ें आई हैं दैट इज़ आलू पालक एंड दिस इज़ दाल मखनी एंड दिस इज़ लाइक चिकन करी राइट चिकन करी है हाउ इज़ द फूड एक बात और बता दूँ ये लोग इंडिया में ही रहते हैं वृंदावन फ्रॉम लास्ट वन ईयर एंड शी इज़ स्टडिंग कथक राइट एंड शी इज़ अ डॉक्टर आप बता दिए पालक की सब्जी है ना ये एंड दिस इज दाल मखनी इज अ चिकन आई थिंक तो गाइस कैसा लगा ये होटल ये रेस्टोरेंट मतलब दोनों चीजें हैं होटल रेस्टोरेंट और फूड मैंने आपको दिखाया और वो मैक्सिकन लेडी मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ उनका नाम सुन के है ना सर नाम क्या था उनका उसका रामा सुंदरी सॉरी राधा सुंदरी एंड रामप्रिया मतलब इतना टिपिकल हिंदी नेम जैसे शुद्ध हिंदी बोलना सबकी बस की बात है तो शुद्ध हिंदी बिल्कुल टिपिकल नेम और वो एक साल इंडिया में रह रही है चलो अब मैं उनकी बात नहीं करूँगा तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना एंड मैं 200% रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आओ मैक्सिकन लेडी ने भी कहा 100% रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे ज़रूर आओ और फूड इज़ अमेजिंग एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कहीं भी आप खाने जाते हो तो खाली फूड ही अच्छा नहीं होना चाहिए वहाँ पे जो स्टाफ हैं वो भी अच्छे होने चाहिए अच्छी सर्विस देंगे तभी मज़ा आता है कभी अच्छा खाना देके और अच्छा शक्ल नहीं दिखा रहे हैं वो लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो फिर वो भी बेकार हो जाता है तो यहाँ पे खाने के साथ में अच्छा एम्बियंस और अच्छे स्टाफ भी मिलने वाले हैं आपको तो 190% जरूर आओ अगर कंबोडिया आ रहे हो इस रेस्टोरेंट में आना मत भूलना मज़ा आ जाएगा एक बार आओगे तो फिर आते ही रहोगे बार बार तो जैसे मैं अभी आया हूँ डेफिनेटली अगर मैं दोबारा आया तो 190% यहाँ आने वाला हूँ मैं तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फैमिली के साथ वायरल करो टिल देन गुड बाय कीप ट्रैवलिंग इंशाल्लाह